नमस्कार दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया और दोस्तों ये मैच बेहद ही रोमांचक रहा। दोस्तों इस मैच में टीम इंडिया को आखिरी दो ओवरों में 22 रनों की जरूरत थी, जिसके बाद जो हुआ वो काफी रोमांच था। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अंतिम ओवर का पूरा रोमांच बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों दूसरा टी20 मैच वेट आउटफील्ड के चलते बहुत देर से शुरू हुआ, जिस कारण मैच 8-8 ओवर का हुआ। इस मुकाबले में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस में बाजी मारी और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इसके बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बार फिर एरोंच फिन और कैमरन ग्रीन की जोड़ी ओपनिंग करने उतरी। पहला ओवर करने आए हार्दिक पांड्या को एरोंच फिंच ने दो चौके जड़कर टीम को अच्छी शुरुआत दिला दी थी। हालांकि फिर दूसरे ओवर में कैमरन ग्रीन को विराट कोहली ने एक बेहतरीन थ्रो करके रन आउट कर दिया। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल, जो कुछ कमाल नहीं कर पाए और उन्हें अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। वहीं फिर अपने दूसरे ओवर में अक्षर पटेल ने टीम डेविड को भी उसी तरह से क्लीन बोल्ड कर दिया। अब 31 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन कप्तान एरोंच फिन एक छोर पर टिके हुए थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। लेकिन फिर पांचवा ओवर करने आए जसप्रीत बुमराह ने एक जबरदस्त यॉर्कर डालकर फिंच को क्लीन बोल्ड कर दिया। ये यॉर्कर 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, जिसे फिंच समझ सके उससे पहले ही उनकी गिल्लियां उड़ गई, जिसके बाद फिंच ने भी इस गेंद की तारीफ की। उन्होंने अपने बल्ले से बुमराह की ओर देखकर तालियां बजाई और बुमराह भी इससे काफी खुश दिखे। फिंच ने 15 गेंदों में 31 रन बनाए। अब 4 विकेट गिर जाने के बाद मैथ्यू वेड ने स्टीव स्मिथ के साथ 5वें विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी निभाई। वेड ने आखिरी ओवर में हर्षल पटेल की पिटाई करते हुए 3 शानदार छक्के जड़े और टीम के स्कोर को इस तरह 8 ओवर में 90 रनों तक लेकर गए। वेड ने 20 गेंदों में शानदार 43 रनों की पारी खेली। दोस्तों इसके बाद 91 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को कप्तान रोहित शर्मा ने जबरदस्त शुरुआत दिलाई। उन्होंने पहले ओवर में जॉश हेजलवुड को लगातार 2 गेंदों पर 2 करारे छक्के जड़ दिए। वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने भी एक शानदार छक्का जड़कर पहले ओवर में 20 रन बटोर लिए। वहीं फिर दूसरे ओवर में भी रोहित ने पैट कमिंस को एक छक्का जड़ दिया। रोहित यही नहीं रुके, तीसरे ओवर में भी रोहित ने एडम जाम्पा को एक छक्का जड़ा, लेकिन फिर इसी ओवर में जाम्पा ने केएल राहुल को क्लीन बोल्ड करके भारत को पहला झटका दे दिया। राहुल ने 10 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली ने भी तेज बल्लेबाजी की और आते ही 2 चौके जड़ दिए, लेकिन फिर 5वें ओवर में जाम्पा ने कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। कोहली ने 6 गेंदों में 11 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव आज कुछ कमाल नहीं कर पाए और पहली गेंद पर LBW आउट हो गए। एक छोर से भारत के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा एक छोर पर टिके हुए थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं उन्हें हार्दिक पांडे का भी अच्छा साथ मिला और फिर इस तरह 6ठे ओवर में रोहित ने 2 चौके और जड़े और स्कोर को 69 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों अब भारत को आखिरी दो ओवरों में जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी और मैच बेहद ही रोमांचक मोड़ पर आ गया था। 7वां ओवर कराने आए पैट कमिंस और उन पर हार्दिक पांड्या ने एक चौका लगाया, लेकिन फिर ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पांड्या फिंच के हाथों कैच आउट हो गए। पांड्या ने 9 रन बनाए। अब भारतीय टीम थोड़ी दबाव में आ गई थी, लेकिन फिर ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान रोहित ने एक जबरदस्त चौका जड़कर दबाव को कम कर दिया और ओवर में कुल 13 रन आए। अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए सिर्फ 9 रनों की जरूरत थी। उम्मीद तो ये थी कि सेट बल्लेबाज रोहित शर्मा मैच को फिनिश कर देंगे, लेकिन दिनेश कार्तिक का कुछ और इरादा था। उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया, वहीं फिर ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जड़कर मैच को अपने ही अंदाज में फिनिश कर दिया, जिसके बाद रोहित ने आकर कार्तिक को गले लगा लिया और ये दृश्य दोस्तों देखने लायक था। इस तरह टीम इंडिया ने 8 ओवर के रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से रौंद दिया है और 3 मैचों की टी20 सीरीज को 1-1 से बराबर भी कर दिया। रोहित ने 20 गेंदों में 46 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 छक्के और 4 चौके लगाए। वहीं कार्तिक ने 2 गेंदों में ही 10 रन बनाकर नाबाद रहे। अब सीरीज का डिसाइडर मैच हैदराबाद में 25 सितंबर को खेला जाएगा। तो दोस्तों आपके हिसाब से इस मैच का हीरो कौन है, कमेंट कर जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो